नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज मानपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आज समाजवादी पार्टी की अबू आसिम आजमी की एक जीत वापस चौथी बार हुई है, उसी को लेकर आज उन्होंने एक खुशी जाहिर करते हुए बात करेंगे। क्या है आज पूरा माहौल, आज चौथी बार आमदार अबू आसिम ने जीत तय की है, सर क्या कहेंगे चौथी बार जीत के? पहली बात है, मानपुर शिवाजी नगर गवंडी की जनता से हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा हमको उन्होंने मदद किया इस वक्त, उस बात के लिए उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने अबू आजमी साहब को इस इलेक्शन में परेशान किया गया, बीजेपी वाले सिंधे गुट आ गए, उसमें अजीत दादा पवार आ गए, फिर बाद में MIM बी टीम जो काम करते हो हमेशा वही की, जो एक आमदार यहाँ तीन बार रह चुके हैं उनको हराने की इतनी कोशिश की कि इतने कईयों करोड़ों रुपये इन्होंने लगाया फिर भी इनकी हार हुई। तो क्या कहेंगे चौथी जीत के ऊपर, किस तरह से आज खुशी कर रहे हैं? पहली जीत की बात बताता हूँ, पहली जीत जब हुई तब मानपुर मंडाला में चलने के लिए रोड नहीं था, पानी नहीं था, गटर नहीं था। अब पहले ही जीत में जो काम हुआ वैसे काम बढ़ते गए, अबू आजमी को वैसा वोट बढ़ते गया, तो मानपुर की जनता सब जानती है, लोगों ने उनके ऊपर क्या क्या कीचल उछाले वो भी जानती है, तो उस बात पे इस जनता को मैं बधाई देता हूँ। और हमारी जीत नहीं हुई, जनता की जीत हुई। तो जनता की जीत हुई सर, क्या मतलब आज ये जो सबसे एक बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में रहा नशे को लेकर, क्या लगता है जीत के बाद नशा खुलास हो? नशा पूरे महाराष्ट्र में बिकता है, नशा कोई गवंडी मानपुर में नहीं, नशा के नाम लेके हमारे आमदार अबू आजमी साहब को बदनाम करने की सब बड़ी सी बड़ी साजिश है। आप जाओ उधर चितकेम डी सेक्टर 10/10 महाराष्ट्र नगर, आप देखो वहाँ जाके कि नशा नहीं है क्या, चेंबूर में जाके देखो, कुरला में जाके देखो, हर जगह नशा है, सिर्फ ही सिर्फ गवंडी का ही नाम लेके अबू आजमी साहब को ये लोग बदनाम करना चाहते हैं। के ऊपर आज सबसे बड़ी राजनीति ये देखिए, नशा मुक्ति करना यानी नशा करने वाले नवयुवक है, अगर नवयुवक के हाथों को काम दिया जाएगा, इनको रोजी रोटी दी जाएगी, तो कोई भी युवक नहीं चाहेगा कि नशे में जाए। ये सरकार की कमियां है कि उनको रोजगार नहीं दे पाई है, रोजगार न होने के कारण वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ, भाजपा फिर से सत्ता में बन रही है तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान देते हुए रोजगार की योजना युवकों को ले लानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अगर बढ़ते हैं तो नशा मुक्ति हो जाएगी और हमारा ये मानकुद गोवंडी एरिया अच्छे से अच्छा हो जाएगा। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये मानकुद शिवाजी नगर स्लम एरिया है, यहाँ के युवकों के लिए अच्छा कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छे रोजगार मिलने के लिए भाजपा सरकार ने भी कोशिश करनी चाहिए। एक अकेला आमदार नहीं कर पाता, लेकिन हमारे अबू आजमी साहब ने जो तीन मौके दिए उसमें इतने काम किए गए, ये अबू आजमी की नहीं तो उन्होंने काम किए हुए काम की जीत है। अगर वो भी यही चाहते हैं कि इधर अवैध कुछ काम ना हो जाए, वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा कॉलेज हो रहे, लेकिन सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट न मिलने वजह से ये कॉलेज नहीं बन रहा है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बीजेपी सरकार अबू आजमी का साथ दे और इस एरिया में अच्छा से अच्छा कॉलेज खोला जाए, जिससे हमारे युवक लोग जो न्यू बॉम्बे में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए जल्द जल्द अच्छी सुविधा मिले यहाँ पे। क्या कहेंगे आप बताइए, कितना खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है और वो चौथी बार अब आए हैं, हम सोच रहे हैं वो पाँचवीं बार भी आए, क्योंकि उनका काम कहीं ऐसा रुकने जैसा नहीं है। वो कैसे भी रहे, बारिश रहे, धूप रहे, कुछ भी रहे, तो अगर उनको एक कॉल कर दो आपका क्या सोल्यूशन यहाँ से लेके यूपी तक, और आपको नहीं पहुँच पाएंगे तो फ़ोन द्वारा आपको कांटेक्ट करेंगे। और वो आसिम भाई का एक बात अभी मुझे याद आया, जो वो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, आज वो समय आया है, बोलते समय बहुत बलवान होता है, आज वो समय आया है कि जो हिंदू मुस्लिम MIM ने जो वोट काटा है हमारे हिंदू मुस्लिम भाई लोग, आज उस चीज़ को आज आसिम भाई को अच्छे जगह पे चौथी बार दी है और हम सोचते पाँचवीं बार एक बार उनको आना चाहिए। अभी 5 साल का समय, क्या विकास होएगा सर अबू आसिम आने के बाद? विकास तो भाई साहब 3 साल में ही पता चला था,
तीन बार जो बने थे तभी हुआ था, ये चौथी बार भी उनका होगा, ऐसा नहीं कि वो हाथ में हाथ रखे रहेंगे। लेकिन क्या है, ये बीजेपी वालों ने उन्हें बहुत परेशान करने की कोशिश किया, जैसा कि उनको आपको बता दूं कि वोट बैंक कैसे उन लोग ने डिवाइड किया। लेकिन ये है कि वो चौथी बार भी अच्छा काम करेंगे, और मानखुर की जो 142 वार्ड 141 वार्ड जो बोल रहे थे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब अगर मुझे प्यास लगा है तो मैं कुएं के पास जाऊंगा, कुआ चल के नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें अगर कुछ प्रॉब्लम है हमारे आजू बाजू है तो बोलना पड़ेगा जाके, क्योंकि उन्हें इतना नहीं मालूम है। तो अगर समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़ा चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। तो आपने देखी कार्यकर्ताओं की खुशी का जो माहौल है, चौथी बार आमदार अबू आसिम आजमी और विकास के नाम पर आज चौथी बार उन्होंने जो जनता ने उन्हें वोट दे के दिया, आने वाले कल में विकास के नाम पर कोई वापस से राजनीतिक समाजवादी पार्टी के ना हो, इसके लिए आमदार आज यहां पर विकास अच्छे से करेंगे और जो कॉलेज और स्कूल जो हेल्थ को लेकर बड़ी समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे, इसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने वापस से चौथी बार जीत के लिए जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। देश प्रदेश के लिए दिख रही खबरें आज भी।